नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे डायरी न्यूज में। रानी मुखर्जी 4 साल बाद फिर एक बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। वो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म हिचकी के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में नेहा धुपिया के चैट शो में रानी ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ खुलासे किए। नेहा ने जब रानी से पूछा कि क्या वो कभी गुस्सा होती हैं या गालियां देती हैं, तो इस पर रानी बोली, मैं हर दिन अपने पति पर गुस्सा करती हूँ और उन्हें गालियां भी देती हूँ। हालांकि इतना बोलते ही रानी हंस पड़ी। आदित्य काफी केयरिंग है और स्वीट पर्सन है, कभी कभी प्यार में उनके लिए गालियां निकल ही जाती हैं। वैसे अगर मैं किसी को गाली दे रही हूँ तो मतलब उसे काफी प्यार करती हूँ। रानी ने यह भी कहा कि उनके हस्बैंड बेस्ट डायरेक्टर हैं। रानी ने आदित्य से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा, मैं उनसे पहली बार फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे के वक्त मिली थी। उस समय मेरी फिल्में ठीक नहीं चल रही थी, ऐसे में आदित्य को कई लोगों ने कहा कि वे मुझे फिल्म में कास्ट ना करें। बावजूद इसके आदित्य को लगता था कि मैं उनकी फिल्म के लिए परफेक्ट हूँ और उन्हें मेरे टैलेंट पर पूरा भरोसा था। मुझे ये बात खुद आदित्य ने बताई थी कि कई लोगों ने उन्हें मुझे लेने से मना किया था।